हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मुशर्रफ हुसैन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्प्राउट्स के बारे में। इस वीडियो के तीन भाग होंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे स्प्राउट्स के फायदे क्या क्या होते हैं। दूसरे भाग में हम बात करेंगे कि स्प्राउट्स को आप घर में कैसे उगा सकते हैं, और तीसरा स्प्राउट्स को सही तरीका क्या होता है इस्तेमाल करने का, जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदे मिल सके। ये एक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है, साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि स्प्राउट जो है वो दुनिया का सबसे ताकतवर और नेचुरल फूड है, जो बहुत सारी बीमारियों को हील करने में मदद करता है। यहां तक के कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी ये काफी हेल्पफुल होता है। अभी बात मैं किस लिए कह रहा हूं, वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं, इवन अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे ऐसे कैंसर हीलिंग सेंटर्स हैं जो स्प्राउट्स को खुद से उगाते हैं नेचुरल तरीके से, और मरीजों को स्प्राउट्स से बनी डाइट्स देते हैं, और उसके बाद ये देखा गया है कि उनके जो बॉडी फंक्शंस हैं वो इम्प्रूव कर जाते हैं, उनकी जो सेल्स हैं वो रिपेयर करने लगती हैं, यहाँ तक कि कैंसर के मरीज रिकवर होना शुरू हो जाते हैं। ये आपकी किडनी फंक्शन को, लीवर फंक्शन को ठीक करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हार्ट अटैक के खतरे को, स्ट्रोक के खतरे को भी कम करता है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्प्राउट्स होते क्या है। तो जब भी आप किसी बीज को या अनाज को पानी के संपर्क में लाते हैं, तो पानी की नमी के कारण ये अनाज जो है ये अंकुरित होने लगता है, और जब ये अंकुरित हो जाता है यानी कि इसमें जड़ें जैसी फूल फूटने लगती हैं, तो इसी को हम स्प्राउट कहते हैं। आपने चने का या कुछ गेहूं का, इस तरह के दालों के स्प्राउट्स जरूर सुने होंगे, लेकिन सब्जियों के बीजों के स्प्राउट्स भी आप यूज कर सकते हैं और बना सकते हैं, जिनके अंदर बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो आपको बीमारियों से लड़ने की बहुत ज्यादा ताकत देते हैं। स्प्राउट्स की क्वालिटी क्या है, क्योंकि तो ये प्योर नेचुरल सुपर फूड है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो आपको नहीं पता है। इसके अंदर मिनरल्स होते हैं, इसके अंदर विटामिन होते हैं, इसके अंदर कैंसर सेल्स को रिपेयर करने की ताकत होती है, इसके अंदर बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी फंक्शंस को ठीक कर देते हैं, आपके बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस, चाहे वो लीवर हो, किडनी हो, ब्रेन को ताकत देते हैं। इसके अंदर नेचुरल प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, अच्छा कोलेस्ट्रॉल बनाते हैं। अब अगर कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा तो आपकी आर्टरीज के अंदर अगर कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होगा तो आपके हार्ट अटैक का और स्ट्रोक का खतरा भी कम हो जाएगा, आपका वेट नहीं बढ़ेगा और आपको हेल्दी वेट देगा। तो सोचिए कितने सारे फायदे हैं, इसके अंदर बहुत सारी पावर्स हैं, इसलिए आपको स्प्राउट्स ज्यादा से ज्यादा यूज करने चाहिए अगर आपको अपने आप को हेल्दी बना के रखना है और बीमारियों को दूर भगा के रखना है। दूसरी बात ये, क्योंकि ये ऑर्गेनिक फूड है, आप घर पे उगाते हैं तो इसमें कोई मिलावट का चांसेस नहीं है, तो वो रिस्क भी खत्म हो जाता है कि कहीं पे कोई इसमें केमिकल कंपोनेंट्स नहीं होगा, कोई चीज मिली हुई तो नहीं होगी जो आपकी सेहत को नुकसान करेगी। तो ये प्योर फॉर्म में आप अपने हाथ से अपनी आंख के सामने बना रहे हैं, तो मिलावट का भी कोई अंदेशा नहीं रह जाता है, और आप इसको अच्छे से घर में साफ सुथरे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरी बात, आप थोड़ा सा अनाज लेते हैं जो पानी सोख के काफी हो जाता है, तो इस तरीके से आप कम क्वांटिटी में खाते हैं बट आपको एनर्जी ज्यादा मिलती है और वो हेल्दी एनर्जी होती है। लेकिन अक्सर कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि स्प्राउट्स खाने से गैस बनती है, तो हाँ, जिन लोगों का देखिए हाजमा कमजोर है, जिनका डाइजेशन ठीक नहीं है, उनको गैस बन सकती है, तो उनके लिए सलाह दी जाती है कि वो सब्जियों के बीजों के बने स्प्राउट्स अगर यूज करेंगे तो उनको ज्यादा फायदा करेंगे, वो आसानी से पच भी जाएंगे और आपको औषधीय गुण भी ज्यादा मिलेंगे। आप सुबह में सब्जियों के बने स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं, और आप लंच में या मेन मुख्य भोजन में आप अनाज के बने या दालों के बने स्प्राउट्स यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं कि इसको बनाते कहते हैं। स्प्राउट्स को बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों की जरूरत होती है, या तो वो बीज या अनाज जिसका आप स्प्राउट बनाना चाहते हैं, थोड़ा सा पानी, एक बर्तन और एक सूती कपड़ा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो भी अनाज या बीज आप जिनका स्प्राउट बनाना चाहते हैं उसको अच्छे से आप धुल लीजिए एक मिट्टी के, पानी के, तांबे के बर्तन में, या किसी भी लोहे के बर्तन में उसको डाल के थोड़ी देर भिगो के रखिए और उसको अच्छे से धुल लीजिए, सो दैट उसके अंदर की, अनाज के अंदर की जो गंदगी है वो निकल जाए। उसके बाद इसको आप एक सूती कपड़ा लीजिए और सिर्फ अनाज अनाज को इस सूती कपड़े के अंदर, कपड़े को भी पहले गीला कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, इसको आप बांध के रख दीजिए। उसके दो दिन बाद इसको आप फिर से खोलिए और फिर से इसको आप अनाज को एक बार धुल दीजिए और फिर इस पोटली को फिर से बांध के रख दीजिए। ध्यान रखें, इस पोटली को आप ऐसी जगह रखें जहां पे विंडो के पास हवा वगैरह आती रहे, अदरवाइज इसमें कई बार फफूंद वगैरह या फंगस वगैरह लगने का डर रहता है, तो आप अगर हवादार एरिया में रखेंगे तो इसमें ऐसा नहीं होगा।
और आप देखेंगे ये अंकुरित होने लगे, कपड़े के अंदर से आपको रेशे निकलते हुए दिखाई देंगे। इसका मतलब आपका स्प्राउट रेडी है। आप इन स्प्राउट्स को निकाल के एक एयर टाइट डब्बे में बंद करके आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब आपका मन करे थोड़े थोड़े निकाल के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी जो दूसरी प्रॉपर्टीज होती है, एक तो मोटापे को कम करता है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल्स भी कम हो जाते हैं। तो अनगिनत फायदे हैं स्प्राउट्स के, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। कट शॉर्ट, अब हम बात कर लेते हैं कि आप इसको इस्तेमाल कैसे करें, इसको इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या होता है, स्प्राउट्स को यूज कैसे करें। स्प्राउट्स को आप एक मुख्य भोजन में कम से कम आपने रखे, आप तो आप बेहतर है कि आप इसको लंच में रखें। डिनर में कई बार स्प्राउट्स थोड़े हैवी हो जाते हैं, और या ब्रेकफास्ट में भी आप ले सकते हैं। दूसरा, आप इसको सलाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आप दूसरी हरी सब्जियां कुछ मिला लें, जैसे मेथी, पालक के पत्ते, मूली के पत्ते मिला सकते हैं, या उसके साथ साथ उसमें खीरा, ककड़ी, गाजर, मूली, चुकंदर, इस तरह की चीज़ें भी मिला के स्वाद अनुसार उसमें कुछ चटनी वगैरह मिला के भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। या आप इसको दाल वगैरह में, या आपकी जो दूसरी सलाद है उसमें आप मिक्स करके भी स्प्राउट्स को यूज़ कर सकते हैं। सुबह खाली पेट आप सब्जियों से बने स्प्राउट्स यूज करें तो वो जल्दी से पच जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा औषधीय गुण देंगे, आपकी सेल्स को रिपेयर करेंगे, यहाँ तक कि आपकी एजिंग को रोकने में भी ये मददगार साबित होंगे। और आप लंच में अनाज या दालों से बने स्प्राउट्स यूज करें, स्वाद अनुसार इसको आप सब्जी वगैरह मिला के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको 30 दिन का चैलेंज देना चाहता हूँ। आप 30 दिन तक लगातार एक भोजन, आप दोपहर का एक भोजन या रात का, जब भी आपको अच्छा लगता है, स्प्राउट्स लें, प्योर स्प्राउट्स, उसके अलावा कुछ ना लें, क्योंकि इससे आपको प्रोटीन भी मिल जाएगा, आपको इससे कार्बोहाइड्रेट से मिल जाएगा, और जो जरूरी फैट है वो भी मिल जाएंगे। बाकी आप नॉर्मल आप खाना खाएं, चिकना भोजन ना करें, बहुत ज्यादा फैटी भोजन ना करें, बाहर के जंक फूड्स इस्तेमाल ना करें। और 30 दिन का मैं आपको चैलेंज देता हूं कि आपका वजन भी घट जाएगा स्प्राउट्स यूज करने के बाद, आपका शुगर का लेवल मेंटेन हो जाएगा अगर आप डायबिटिक हैं, और उसके अलावा अगर आपको क्रॉनिक डिजीज, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज है, या आप लीवर फेल्यूर के पेशेंट हैं, वहां पे भी आपको बहुत फायदे मिलेंगे। आप अभी से स्प्राउट्स यूज करना शुरू करें और 30 दिन बाद अपना वजन करें। साथ में ये जरूरी है कि आपको कम से कम 30 मिनट की ब्रिस्क वॉकिंग जरूर करनी पड़ेगी। तो आप अगर देखेंगे तो आपको ऐसे फायदे मिलेंगे जो आपने नहीं सोचेंगे, और नेचुरल है यार, घर पे आप बना के इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसको इस्तेमाल करें और फायदा उठाएं। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सो दैट इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा मिले। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन का बटन भी दबा लें, सो दैट इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको समय पे मिलते रहे। थैंक यू, धन्यवाद।